जानें अंगूर के फ़ायदे और नुकसान। अंगूर, जिसे अरबी में अनब, इंग्लिश में ग्रेप्स, गुजराती में दहराख, बंगला में दराखिया, बंगाली में दाख, एक प्रसिद्ध स्वादिष्ट फल है जो खाने में मधुर और रसीला होता है। कच्चे की तासीर ठंडी और पकने पर तासीर ठंडी नहीं बल्कि गर्म हो जाया करती है। इसके तीन रंग होते हैं, हरा, काला, ललोया, गुलाबी। कच्चा खाने पर दस्तों को बंद करने में सहायक है और पका हुआ खाने में कब्ज़ को दूर करने में सहायक है। एंटीऑक्सीडेंट है और इम्यूनिटी बूस्टर है, शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, जिसके द्वारा रोगों को शरीर से दूर करने की क्षमता शरीर के अंदर होती है और रोग शरीर से दूर हो जाया करते हैं। इसके प्रयोग से चेहरे पर निखार पैदा होता है। हृदय रोगों में इसका सेवन करना लाभकारी होता है। ब्लड प्रेशर, रक्तचाप में इसका प्रयोग लाभकारी है। चश्मा लगने पर इसका इस्तेमाल करना लाभकारी है। इसमें अधिक मात्रा में विटामिन ए होता है, जिसके खाने से दृष्टि की वृद्धि होती है और शरीर को बल प्रदान होता है तथा रक्त में पतलापन पैदा होता है और रक्त उत्पन्न भी करता है, रक्त सुधारता भी है। मुंह के छालों को इसके प्रयोग करने से लाभ होता है। रक्त की और पेट की गर्मी को समाप्त करने में सहायक है। शरीर को पुष्ट करता है, शक्ति प्रदान करता है। इससे किशमिश भी तैयार की जाती है, जो अधिकतर मेवाओं के रूप में, हलवे, खीरों आदि में प्रयोग की जाती है। इसके द्वारा शराब भी बनाई जाती है, जो तीन गुण रखती है, क्योंकि इसकी जड़ में तीन तरह की चीज़ें डाली गई थीं, एक पानी, एक लोमड़ी का खून और एक शेर का खून। तो इन तीनों की सिफात इसके अंदर पैदा होती हैं। शराबी जब शराब पीता है तो उसके अंदर तीन चीज़ें पैदा होती हैं, लोमड़ी की भांति कूदता है, छलांगता है और हाथ ना आने पर, जैसे लोमड़ी ने अंगूर पे छलांगे मारी थी, ना हाथ आने पर उसने कहा था कि चलो अंगूर खट्टे हैं, मजबूरन। शेर की भांति दहाड़ मारता है, पानी की भांति शांत हो जाता है। आज्ञा दें, फिर मिलेंगे किसी अन्य ज्ञान भरी वीडियो के साथ। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं, ताकि प्रत्येक ज्ञान भरी वीडियो आपको प्राप्त होती रहे और आप सदा सुखी रहें। जान है तो जहान है, वरना कब्रिस्तान है।